गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। कोरियन लीग फुटबॉल का मैच होने वाला है पोहांग स्टीलर्स वर्सेस अलसन ह्युंडई के बीच 1 घंटे 34 मिनट के बाद। गाइस एंड इस मैच की फाइनल टीम जो रहेगी लाइनअप्स के बाद पोस्ट होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एक्चुअली लिंक वर्क नहीं कर रहा, कई लोग कह रहे थे, तो इसलिए अभी मैं लिंक नीचे नहीं दे रहा डिस्क्रिप्शन में। मैं नेम आप चैनल का देख सकते हो, आपको लिंक की जरूरत ही ना पड़े गाइस। बस आपने नेम अभी टेलीग्राम पर सर्च करना है, एबी रॉक्स ये आइकन शो हो जाएगा, 5K सब्सक्राइबर्स वाले चैनल पर आपने जुड़ना है। तो चलते हैं दोस्तों आगे, बात करें इस मैच की। तो पोहांग स्टीलर्स वर्सेस अलसन ह्युंडई, तो अलसन ह्युंडई यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अलसन ह्युंडई का एक डिफेंडर पिछले मैच में नहीं खेला था, तो मुझे लगता है अगर वो आज खेला, आपको बताता हूँ कौन प्लेयर है वो बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी का जो सुन लो कि अगर वो प्लेयर खेलता है तो मैं आपको बता दूँ कि आपने फिर सिंगल साइड जाना है, कि जो कि मैंने अभी ऑलरेडी 6-5 की टीम बनाई है। 6-5 मीन्स 6 साइड के एक प्लेयर, 5 साइड के एक। तो मैं बात करूँ सबसे पहले प्लेयर की, देन यहाँ पर जो मैं प्लेयर लेने वाला हूँ वो है गाइस कैंग ह्यून म्यू। तो इस प्लेयर को लूँगा, ये जो कि पोहांग स्टीलर्स का बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा प्लेयर है, लेकिन गोल कीपिंग इसकी थोड़ी खास है, खास नहीं खास है, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्लेयर मैं इससे वाकिफ हूँ अच्छी तरह। आगे से बात करूँ डिफेंडर की, देन यहाँ से लूँगा डी बल्टियस को। बल्टियस कई बार मिडफील्डिंग करता भी देखा गया, बट है ये नेचुरली एक डिफेंडर, तो मेरे को इससे उम्मीद लगाए रखने की कुछ ना कुछ ये प्लेयर करे, क्योंकि अगर ये प्लेयर चला देन वो मतलब नेक्स्ट लेवल रहेगा। और आगे से बात करूँ एस योंग वू की, देन GNB के खिलाफ पिछले मैच में बहुत ही ज़बरदस्त चांस क्रिएटर रहा था ये प्लेयर, 2 बार इंस्क्रिप्शन बॉन्ड किए थे, 4 टैकल्स, बट क्लीन शीट लग गई तो भाई पॉइंट्स कौन पीछे छोड़ सकते हैं। एंड के की ही की बात करूँ, के की ही के बारे में मैंने पहली वॉर्न किया था कि इस प्लेयर को ज़रूर लेना, क्योंकि जब ये प्लेयर न्यू आया था तो इस बंदे की सिलेक्शन थी 10-12%, और आज मैं हैरान हूँ कि ये बंदे ने इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा सिलेक्शन अचीव की है, क्योंकि ये प्लेयर की प्लेइंग है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है प्लेयर, ज़रा देखो। आगे से बात करूँ जेमिन कवांग की, तो जेमिन कवांग को आपने नहीं लेना। अब आप सोचोगे मैंने क्यों ले रखा है, मैं लेना चाहता था इस प्लेयर को जो कि नहीं खेला था पिछले मैच में, होंगचुल, जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर होंगचुल खेलेगा तो मैं इसके साथ हूँ, बट जब तक होंगचुंग नहीं खेलता तब तक मैं जेमिन कवांग के साथ जा रहा हूँ। आगे से बात करें मिडफील्डर की, वाई बिटग्राम को भी मौका नहीं दिया था पिछले मैच में, लेकिन ये एज अ सब्स्टिट्यूशन ही बहुत खतरनाक खेलता है, पता नहीं वाई बिटग्राम क्यों नहीं खेल रहा, क्योंकि इस जैसा तो प्लेयर ही नहीं मिलना इनको, इनकी टीम में इतना तेज प्लेयर है उसका फायदा लो यार। और आगे से बात करें नेक्स्ट पे की, वैलेरी को पिछले मैच में मौका दिया था जब ये गोल भी कर गया, वो मैच ऐड नहीं हुआ था ड्रीम 11 में, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, हालांकि 2-3 दिन पहले मैच हुआ था जिसमें कि वाई बिटग्राम भी नहीं खेल रहा था, तो वी काजा को इन्होंने मौका दिया था, इन काजा ने गोल कर दिया था। एंड आगे से बात करूँ कैंग सेंग ऊ ये मैच खेल सकते हैं, क्योंकि पोहांग स्टीलर्स को आज इसकी ज़रूरत है, पिछले मैच में नहीं खेलवाया वो अलग बात है, लेकिन अगर ये खेलेगा तो शायद क्लीन शीट भी रोक दे ओपोनेंट टीम की। आगे से बात करूँ एसजिन हॉ की, देन यहाँ पे लूँगा एसजिन हॉ को। एसजिन हॉ ना दिखने में मिडफील्डर है, बट इसका नाम एक टॉप के स्ट्राइकर्स में भी आता है, क्योंकि पहले ही स्ट्राइकिंग करता था एसजिन हॉ, जबकि ये काफ़ी बार मेरा वाइस कैप्टन भी रहा है पोहांग स्टीलर्स की तरफ से, तो अपन लोग फिर भी लेंगे। एंड आगे से बात करें स्ट्राइकर की, एल सेंग ह्योप को पिछले मैच में मौका दिया गया जबकि ये चला नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं एल सेंग इसकी जगह, और मैं मतलब देखो वो तो पोहांग स्टीलर्स का प्लेयर है, लेकिन हमें मेन देखना है अलसन ह्युंडई का कौन सा स्ट्राइकर आएगा। अलसन ह्युंडई का एक टॉप का स्ट्राइकर है एलडोंग जन, जो कि पिछले मैचेस में मतलब इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा एज कम्पेयर टू ओ सी हुन। अब आप सोचोगे कि ओ सी हुन ने क्या खास कर दिया, ओ सी हुन को इन्होंने चांस दिया और इसने चांस पे मतलब मैं सही बता रहा हूँ उस चांस को मिस नहीं होने दिया, लिटरली बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आप 2 में से 1 प्लेयर ले सकते हो, या अगर रिस्क लेना है तो ओ सी हुन, अगर सेफ जाना है देन एलडोंग जन। अब तो ये निर्भर करता है आप पर, आप रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं। मेरे को पता है 90% लोग रिस्क नहीं लेंगे, तो अगर आपने रिस्क नहीं लेना तो एलडोंग जन इज़ बेस्ट। आगे से बात करूँ कैप्टन की, कैप्टन है वाई बिटग्राम, वाइस कैप्टन है वी काजा। अगर देखो कैप्टन नहीं खेला देन वी हैव टू ड्रॉप, बट काजा शायद खेल सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।